जय हिंद, मैं हूं नवीद खान, आप देख रहे हैं चैनल टी लाइव वेब न्यूज और हमारी खास रिपोर्ट श्री जन्माष्टमी के पल पल। दोस्तों, सबसे पहले मैं चैनल एंड टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। और आज इस शो में हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरठ के अलग अलग मंदिरों में जाएं और वहाँ पर आपको झांकी दिखाएं कृष्ण जी की, साथ ही वहाँ के महंतों से, वहाँ के पंडितों से बात करें। तो दीजिए, आज हमारी खास पेशकश है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। हरिद्वारी मंदिर के महंत मेरे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज पर। आज सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि जो लोग आपको चैनल पर देख रहे हैं उनको आप जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, लगभग आज से 5,245 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग से पूर्व, जैसे प्रारंभ में सत्ययुग, त्रेता युग, तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग में प्रकट होकर सबको संदेश दिया था। वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। तो कलयुग में पृथ्वी के भूभाग हरण के लिए भी किसी न किसी रूप में वही त्रेता को, त्रेता के बाद द्वापर युग को एक अलंकृत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जैसे संदेश दिया था, उसी का प्रारंभ में हमें अध्यात्म की ओर इस जन्माष्टमी एक अच्छा संदेश देता है कि अध्यात्म के माध्यम से ही दुनिया भर के जितने भी आतंकवाद, उग्रवाद इत्यादि है उनको समापन किया जा सकता है। उसी को स्मरण करने के लिए हम लोग जन्माष्टमी का पावन त्यौहार मना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण निरंतर यही शांति का ही संदेश देते हैं। और आज के समय में भी मुझे लगता है कि व्यक्ति को शांति चाहिए और समाज को क्रांति। कृष्ण ने जितने भी कार्य किए हैं हर एक व्यक्ति को शांति देने के लिए और समाज को क्रांति के माध्यम से बदलाव के लिए ही दिए हैं। तो क्रांति लोभ मोह अधर्म से ही होता है और उसको ही जीत कर हम लोग शांति की ओर जा सकते हैं। जन्माष्टमी का विशेष यही एक प्रमुख संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आपको भी एनटीवी की ओर से और अपनी ओर से, श्री हरिद्वारी महादेव की ओर से और सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। दृश्य आपने देखे, ये पुराने गेट इसके भूतेश्वर मंदिर के थे और इस वक्त पंडित पिंटू जी मेरे साथ हैं। पिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल टीवी वेब न्यूज पर। सबसे पहले तो हम चैनल की ओर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा पंडित जी कि जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जन्माष्टमी पर्व पर। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कि बाबा अमरनाथ का हमने शिवलिंग बनाया, बर्फ का बनाया है, तो लोग देखने आते हैं, दूर दूर तक देखने आते हैं। हमने सबसे पहले अमरनाथ का शिवलिंग हमने यहीं से बनाया था, बाबा बुद्धेश्वरनाथ के मंदिर से, और अब सब जगह बनता है बाबा अमरनाथ का। शुरुआत आपने की? हाँ, हमने शुरुआत करी थी। हमें ऑर्डर ही मिले थे कि हमें बाबा अमरनाथ का शिवलिंग बनाना है, हम बनाने भी गए, लोग हो गए, अब हम नहीं जाते, अब यही बनाते हैं मंदिर में अपने। तो पंडित जी यहाँ कितने साल से हैं? हम जन्म हमारा यहीं से ही है, यहीं का ही है। हाँ, हमारे पिताजी थे, फादर थे, हमारे नगर निगम में थे वो, अब उनके हम बेटे हैं। तो अब क्योंकि आज बहुत पावन पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश देते रहते हैं कि रात को 12:45 आरती होगी कृष्ण भगवान की, उसमें चन्नामत का और फल का काट के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा, माखन मिश्री का भोग लगा के सबको प्रसाद दिया जाएगा। पब्लिक बहुत हो जाती है यहाँ, कल भी हमने सजाया था, बहुत बोले माँ काले से उज्जैन का शिवलिंग बनाया था। दो दिन बनती है जन्माष्टमी, पहले दिन व्रत रखा जाता है, दूसरे दिन घूमने आती पब्लिक। तो हमने आज बाबा अमरनाथ का शिवलिंग बनाया, उसके बाद में पब्लिक से कहा हमने प्रसाद सब लेके जाना रात को 12:45। आपको 12:45 प्रसाद बजे? हाँ, 15 मिनट की आरती होती है, 12:00 भोग लग के प्रसाद वितरण होता है।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद है युवा वाहिनी के मंत्री दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी, सबसे पहले तो चैनल एन की ओर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई। तो इस पावन पर्व पर आप मेरठ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने मुझे शुभकामना दी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। और आपको भी एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। और आज 71वां भारत देश का आजादी का पर्व है, आज भारत देश को आजाद हुए 71 वर्ष हो गए, इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने आप में अलौकिक है। और मैं सभी कृष्ण भक्तों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से और भगवान श्री कृष्ण से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। बहुत ही धूमधाम से आप देख रहे हैं सारे शहर में ये पर्व मनाया जा रहा है, और सब भक्तों को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं हृदय से। वेल, इस वक्त हम मौजूद है कंठी माता मंदिर में और यहाँ के महंत दिनेश जी मेरे साथ हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल पर आप आज के दिन, आज के इस पावन पर्व पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कंठी माता मंदिर बच्चा पार्क में हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और यहाँ बहुत दिन पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? बस संदेश जनता के लिए यही है कि जैसे भगवान कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, आज भी उसी प्रकार से देश के सामने जो देश के प्रति जिम्मेदारी है और जो धर्म के प्रति जिम्मेदारी है, भली भांति उसको सब जनता निभाए और प्रेम से और शांति से एकजुट होकर के सब देश की सेवा करें और धर्म की सेवा कर रक्षा करें। वेल दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। तो अब मैं नवेद खान आपसे विदा चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।